सामाजिक कार्य में अपनी भूमिका अदा करते हुए सिरमौर प्रेस क्लब द्वारा जिला मुख्यालय नाहन स्थित प्रेस क्लब भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक अजय सोलंकी व SP सिरमौर रमन मीना भी रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने 36वीं बार रक्तदान किया। ये आज मुझे बड़ी खुशी है कि सिरमौर प्रेस क्लब नाहन द्वारा जो है रक्त शिविर का आयोजन किया गया है। मैं बधाई दूंगा आप सबको। एक अच्छा और पुनीत कार्य जो है आप द्वारा किया जा रहा है, और जब भी खून की ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को डोनेट करके जो है वो आगे आना चाहिए। और मुझे खुशी है कि पहली बार मैंने आज खुद भी जो है ब्लड डोनेट किया है, और हमारे नाहन के माननीय विधायक अजय सोलंकी जी ने भी ब्लड डोनेट किया है, SP सिरमौर श्री रमन कुमार मीना जी ने भी ब्लड डोनेट किया है। तो ये बहुत अच्छा और पुनीत कार्य है, और इसमें भी हमें अपनी आहुति डालने का जो है वो मौका मिला है। और साथ ही बड़ी खुशी है कि इस ब्लड एंड डोनेशन कैंप में सभी धर्म के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने जो है वो ब्लड डोनेट किया है। और ये एक हमारे जो समाज का एक सेकुलर कल्चर है उसका एक उदाहरण है, और एक ये यहाँ से संदेश भी जाना चाहिए कि हमारा जो नाहन शहर है और हमारा ज़िला सिरमौर है, वहाँ लोग आपसी भाईचारे में रहते हैं, और आज तक कभी भी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे यहाँ पे ज़िला सिरमौर और नाहन में कभी भी दंगे फसाद और इस तरह का नहीं, ऐसा माहौल नहीं रहा है, और लोग यहाँ बहुत आपस में मिलजुल करके जो रहते हैं। और एक एग्ज़ाम्पल और एक उदाहरण है। मैं पुणे प्रेस क्लब को फिर बधाई दूँगा कि आपने ऐसा आयोजन किया है, क्योंकि आप प्रेस के जो लोग हैं वो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, जो त्रुटियाँ हैं, वो अपने सोशल मीडिया और पेपर के माध्यम से समय समय पर उठाते हैं। जहाँ आप अपनी जिम्मेवारी को बहुत बखूबी निभाते हो, वहाँ समाज के प्रति भी जो मीडिया के लोगों का दायित्व है वो आपने बहुत खूबी निभाया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिरमौर प्रेस क्लब द्वारा ये समाज सेवा की कड़ी में पहला कार्यक्रम है जो रक्तदान वाले लोगों के लिए आयोजित किया गया है, और रक्तदान तो समाज में एक इसका एक अहम कड़ी है। एक जिंदगी और मौत से जूझते हुए लोगों के प्राण बचाने के लिए स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए, और इससे शारीरिक रूप से कोई असर नहीं पड़ता, जबकि रक्त देने के बाद कुछ ही समय बाद नए रक्त का संचार होता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। और मेरा यही है, मैंने अभी तक 28 बार पहले रख दिया है, आज 29वीं बार रख दिया है। मेरी सभी युवाओं से, अपने दोस्तों से और पत्रकारों से भी यही उम्मीद है कि वो समाज में अपनी अहम भूमिका निभाएं और जो रक्तदान करें स्वेच्छा से करें, आगे बढ़ के करें। लेकिन 36 to 38 टाइम्स मैंने ब्लड डोनेट किया है कॉलेज टाइम से लेके अभी तक, और रक्तदान एक महादान है, और ये जब भी रक्तदान करने का मौका मिले तो अवश्य करना चाहिए। मेरे साथ अपने शरीर के लिए भी अच्छा है और किसी न किसी की जान बचाने के लिए बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, तो इसमें बढ़ चढ़ के सभी लोगों को भाग लेना चाहिए। और आज प्रेस क्लब नाहन ने जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया, मैं इनको बधाई देता हूँ कि ऐसे पुण्य के कार्य में आपने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और हमें भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हुआ तो ये मोमेंट्री है, लेकिन जो भी ऊपर वाला करता है अच्छे करता है, तो बहुत अच्छा कार्य है। और मैं सभी युवाओं से विशेषकर अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि इस पुण्य के कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लें, ताकि रक्तदान से किसी न किसी की जान बचेगी। और ये एक और आप लोगों ने जो सर्वधर्म सद्भावना का एक संदेश दिया, जो और ये हम जो हमारे देश की खूबसूरती है उसको कायम रखने के लिए आपने जो प्रयास किया, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूँगा।